के गया में अवैध संबंध में पिछले दिनों चौकीदार की गला रेत कर निर्मम हत्या किए जाने मामले में आज गया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गया पुलिस ने चौकीदार हत्याकांड के मामले में चार कुख्यात हत्यारों को पुलिस ने महज चंद दिनों में ही धर दबोचा है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधियों के पास से निर्मम हत्या में उपयोग किए जाने वाले हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। आज गया के SSP आदित्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुख्यात अपराधियों को पेश किया। SSP आदित्य कुमार ने बताया कि चनौती थाना क्षेत्र में 10 जुलाई को चौकीदार के पुत्र संजय पासवान को अपराधियों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और शव को एक बोरी में बंद कर फेंक दिया गया था। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक स्पेशल टीम गठित की और वहीं हत्या करने वाले चार अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्य आरोपी बिंदु पासवान उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। उसी के निशानदेही पर हत्या में शामिल तीनों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शिव पासवान, पिंटू पासवान तथा मनीष मांझी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हत्या में प्रयोग किया जाने वाला चाकू, 4 पीस मोबाइल तथा 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध संबंध के कारण ये हत्या की गई थी। चंदौती थाने में 10/7 को एक हत्या हुई थी, जिसमें चौकीदार का पुत्र था संजय पासवान, उसकी हत्या की गई थी। इस संदर्भ में हम लोगों ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया था कि चौकीदार के पुत्र की हत्या आगे किस लिए हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अपने पुलिस के काम से रिलेटेड कोई काम हो। तो इसमें पता चला कि कुछ अज्ञात कर्मियों ने इसको पकड़ के मारा था और इसका गला रेत के इसकी हत्या एक बैग में डाल दिया गया था। इसी के लिए हम लोगों ने एक SIT बनाई थी, जिसमें एडिशनल SP, SDPO लॉ एंड ऑर्डर, SHO चंदौती और साथ में हमारा DIU प्रभारी, सब लोग थे साथ में इसमें लगे हुए। इसमें गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी जो था बिंदु पासवान और जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसी की निशानदेही पे बाकी जो अन्य 3 लोग हैं, शिव पासवान, पिंटू पासवान और मनीष मांझी, इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें मामला आया कि जो बिंदु पासवान था, इसका एक महिला से संपर्क था जिससे वो बातचीत किया करता था फ़ोन पे, और संजय पासवान जो था उसी महिला के किसी रिलेटिव से, उसकी भगनी से उसका प्रेम प्रसंग की बात चल रही थी। उसी संदर्भ में रीना ने इसको कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो इसने बढ़ चढ़ के और उसको, उसका दोस्त ही था, उसको बुलाया, प्रेचिला पहाड़ पर बुलाया, वहाँ जाके उसको 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और साथ में, ताकि किसी पे शक ना हो, मार के सब भाग गए। जो बिंदु पासवान है, ये कृतनावादा में स्कूल है, वहाँ पे नाइट गार्ड की ड्यूटी करता है। इसी में जो मोबाइल इसमें प्रयोग हुए थे आपस में बात करने में, वो भी इसमें बरामद हो गए हैं। जिस फसल से मारा था वो भी बरामद हुआ है, और मृतक का जो मोबाइल था उसको इन्होंने काट दिया था आधे, इसमें तो आधा वो भी मोबाइल जो था वो बरामद हुआ। और इससे पहले कि जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली थी, वो उसका घटनास्थल एक्चुअल नहीं था, उन्हीं के निशानदेही पे पता चला कि एग्जैक्ट जो घटनास्थल है वो क्या है, कृतनावादा जो था वहाँ से उसको देख के बुलाया गया था। और ये सब लोग साथ में ही पहले यार दोस्त थे, झांसा दे के इसको बुलाया गया था। इसमें 4 लोग की अरेस्टिंग हुई है और एक जो महिला है जिसके कहने पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसकी भी अरेस्टिंग हम लोगों ने की है। महिला का नाम आपको बताएंगे बाद में। और साथ में इसमें एक लड़का और है जिसका हम लोगों को तलाश है, वो भी बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। पूरा का पूरा इसमें टेक्निकली और जो भी हमारे एविडेंसेस होते हैं बिल्कुल क्लियर हैं। जहाँ जहाँ इसने बताया था उसकी निशानदेही पे हथियार बरामद हुए, मृतक के खून से सने हुए जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर वो भी मिले हैं। और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, लगातार पिछले 3 दिनों से इसमें लगातार लगे हुए थे और कहाँ कहाँ से खोज के इनको सबको लेके आए। इसको डिटेक्ट करना इतना आसान काम नहीं था इस केस को, पर फिर भी इन लोगों ने अपना करा, सब लोग लगे रहे इसमें, SDPO, एडिशनल SP और जो टीम है पूरी लगी रही, पूरी रात रात भर इन लोगों ने रेड करी। पहले दिन ही ये हम लोग पकड़ लेते, परंतु ये भाग गया था, इसको कहीं संदेशा हो गया था कि इसकी गिरफ्तारी होने जा रही है। इसको फिर बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया गया, फिर इसी की निशानदेही पर इससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना बताई। घटना के क्रम में 3 मोटरसाइकिल भी जो ये लोग लेके गए थे अपने साथ, वो भी बरामद हुई है। मृतक का मोबाइल बरामद हुआ, एविडेंस के वो बिल्कुल सब्सटेंशियल एविडेंस है। इन सबको हम लोग स्पीडी ट्रायल के थ्रू सबको जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, सबको फांसी की सजा भी इनसे कराएंगे। तो ये चौकीदार थे कि SPO थे? ये चौकीदार का पुत्र था, चौकीदार का पुत्र था।
नहीं, इसको अपहरण की पहले शुरू में बात आई थी कि अपहरण करके हत्या की गई है, परंतु जब बाद में पूछताछ के क्रम में पता चला कि अपनी मर्जी से वो गया था, उसको इन लोगों ने बुलाया था मटन पार्टी की झांसा देके और वहां बुला के उसकी हत्या कर दी।